नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। हमारे चैनल पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी की फरार एवं वांछित अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ जारी। 2000 रुपए का इनामी बदमाश नियाज मोहम्मद उर्फ ताऊ दस्तिया पुलिस थाना भिवाड़ी फेस रीति से तांबा लूट के मामलों में 12 साल से चल रहा था फरार। आरोपी कंपनी से लूटे गए माल को खरीदने वाला है कबाड़ी। करण शर्मा पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी के आदेशानुसार वांछित एवं फरार बदमाशन की धरपकड़ हेतु चलाया जा रहा अभियान को सफल बनाते हुए दिलीप कुमार अति पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी, सुजीत शंकर सहायक पुलिस अधीक्षक वृद्ध भिवाड़ी के सुपरविजन में, बीनेस या आईपीएस भिवाड़ी के पर्यवेक्षण में, दारा सिंह उप निरीक्षक प्रभारी डीएसटी भिवाड़ी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्य करते हुए पुलिस थाना भिवाड़ी फेस रीति में मुकदमा नंबर 259/11 धारा 395 बादवे में तांबा लूट के मामले में 12 साल से फरार चल रहे हैं 2000 रुपए के इनामी बदमाश नियाज मोहम्मद उर्फ ताऊ को गिरफ्तार किया। दिनांक 20/9/2023 को जिला स्पेशल टीम भिवाड़ी को सूचना मिली कि पुलिस थाना भिवाड़ी फेस रीति में मुकदमा नंबर 259/11 धारा 395 भड़ास में तांबा लूट के मामले में 12 साल से फरार चल रहे 20,000 रुपए का इनामी बदमाश नियाज मोहम्मद उर्फ ताऊ नू हरियाणा में आया है। जहां आपको बता दें हरियाणा पहुंची वहां पर नू की टीम और मुताबिक सूचना से सटीक लोकेशन प्राप्त होने पर इनामी बदमाश नियाज मोहम्मद उर्फ ताऊ को नूह घाटी हरियाणा से गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना भिवाड़ी फेस रीति को सुपुर्द कर दिया। गठित टीम में दारा सिंह उप निरीक्षक, मनदीप हेड कांस्टेबल, सुनील हेड कांस्टेबल, योगेश हेड कांस्टेबल, ओम प्रकाश हेड कांस्टेबल, कुलवीर, गोपी चंद, कृष्ण कुमार आदि लोगों की अहम भूमिका रही।